नमस्कार, मैं संदीप कुमार चकदे क्रिकेट से। आज मैं आप लोगों को ऐसे पांच वजह बताने जा रहा हूं जिसे जीत सकती है भारतीय टीम विश्व कप 2019। आईसीसी क्रिकेट कप 2019 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन टीम इंडिया का प्रदर्शन इन तीनों टीमें से शानदार है। अभी तक इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम अजय है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में पराजित किया है। टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच वर्षा की वजह से रद्द हो गया, लेकिन इस बात का यकीन मानिए, यदि यह मैच होता तो परिणाम भारतीयों के पक्ष में ही आता। दरअसल इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम एक अलग ही अंदाज में क्रिकेट खेल रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये टीम एक भी मैच पराजित हुए बिना विश्व कप जीत सकती है। ऐसा क्यों, हम आपको आगे बताते हैं। नंबर वन, बड़ा स्कोर करने का अलग अंदाज। भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे अधिक आवश्यक उसका बड़ा स्कोर बनाने का तरीका है। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड की टीमें पहले 10 ओवर में जोखिम उठाकर 300 रन का स्कोर करने के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है। वो काफी आसान अंदाज में पहले 10 ओवर में संभल कर रन बना रहे हैं। टीम इंडिया पूरी तरह से जम जाने के बाद विपक्ष के गेंदबाजों को हल्ला बोल रही है। यही कारण है कि भारतीय टीम तीनों मैचों में 300 से अधिक का आंकड़ा बनाने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया तथा पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने 300 से अधिक का स्कोर किया और दक्षिण अफ्रीका से मिली 228 रन की चुनौती को हासिल करने में उसे कोई परेशानी भी नहीं हुई। नंबर दो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की क्षमता। भारतीय टीम वर्तमान के विश्व कप की इकलौती ऐसी टीम है जिसके पास गेंदबाजों में सबसे अधिक विविधता है। यही कारण है कि वो मिडिल ओवर्स में विपक्षी खेमे को अधिक परेशान करती है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में जब बाबर आजम तथा फखर जमा मैदान पर जमे हुए थे तो कुलदीप यादव ने अमूल्य विकेट टीम को दिलाए। हार्दिक पांड्या ने भी दो अहम विकेट हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिडिल ओवर्स में चहल ने भी अपनी ताकत दिखाया था। नंबर तीन, टीम इंडिया की जबरदस्त फील्डिंग। भारतीय विश्व कप में भारत की फील्डिंग जबरदस्त रही है। ग्राउंड फील्डिंग में भारतीय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भले ही रविंद्र जडेजा टीम में मौजूद नहीं है, लेकिन वो मैदान पर बहुत सारे रन बचाते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया को विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, चहल, विजय शंकर एक मजबूत फील्डिंग यूनिट बनाते ही हैं, लेकिन विकेट के पीछे MS धोनी का कोई जवाब ही नहीं है। नंबर चार, भारतीय टीम है बेखौफ। विश्व कप जैसे टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों पर दबाव होता है, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों में वो दबाव नजर नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा ही अलग थी। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं। कप्तान विराट ने बताया था कि उनके खिलाड़ी मैच को अपने टीम की ताकत के हिसाब से खेलते हैं, न कि विपक्षी खेमे के नजर में रखकर। नंबर पांच, हर हालत में ढलने की काबिलियत। भारतीय टीम पांचवी सबसे ज्यादा युवा टीम है। भारतीय टीम अनुभव के मामले में भी सबसे आगे है। किसी भी परिस्थिति और किसी भी मैदान में यह टीम तुरंत अपने रंग में ढल जाती है। कैसा भी मौसम हो, चाहे कैसा भी समय हो, ये जीतने का तरीका खोज ही लेते हैं। भारतीय टीम के लिए मौसम से ज़्यादा मैदान जरूरी है। भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा इतनी ज़्यादा फिट और तैयार रहती है कि मौसम के तेवर बदल जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनके लिए बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग ही क्यों ना हो। तेज बारिश के हो जाने की वजह से एक मैच नहीं खेल पाए थे, जिससे टीम के ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय टीम बल्लेबाजी में आखिरी समय में मौसम ने तेवर बदला, लेकिन उसके बाद भी भारतीय बल्लेबाज ने अपने फॉर्म को जारी रखते हुए टीम के लिए थोड़े और ज्यादा स्कोर बना लिए, जिससे ऐसा लगा कि मौसम के बदले रुख ने उनके जोश में रुकावट नहीं आ सकी। धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल चकदे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।